जी, वी आर बैक विद अनदर सेशन ऑफ गोल्डन आवर्स विद एचक्यू। जी मैम, अब जैसे हमारा जो लास्ट पार्ट होता है उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी इकोनॉमी के बारे में, जी और आप देख रहे हैं काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, खासतौर पे आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस है जो ट्रैवलिंग का बिजनेस है, उसमें आप देख रही होंगी कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्लम्प और जिस तरह फॉरेन करेंसी की डिवेल्यूशन हुई है, तो कुछ लोगों के ट्रैवल प्लान्स भी चेंज हुए, कुछ लोग इमिग्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। और रियल एस्टेट के ऊपर बड़ा, एक तो सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क में रहा कि पहले कहा गया कि जी कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री है, फिर उसके ऊपर 7E लगा दिया गया, जो कि हम तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन अगेन देर हैज़ बीन अप्स एंड डाउन। तो पहले हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं क्योंकि उसको हमने बिल्कुल टच नहीं किया, फिर ट्रैवलिंग का भी हम पूछेंगे आपसे। तो मैम, जो रियल एस्टेट के अंदर आप देख रही हैं हालात करेंटली, आप क्या देख रही हैं, रिवाइव होगा, किस तरफ जा रहा है और क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके उसमें? देखिए, पहले तो मैं रियल एस्टेट देख रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। आई एम वर्किंग विद टर्किश कंपनी इन टर्की, और फिर दुबई में भी आई एम वर्किंग विद दुबई कंपनी इन दुबई। तो उस लिहाज से मैं इंटरनेशनल लेवल इसलिए देख रही हूँ कि आपको पता है हमारे यहाँ पे जो जितना प्रॉपर्टी का बिजनेस है जी उसमें खातीन का थोड़ा सा जी 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 माहौल ऐसा नहीं हाँ समझा जी 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 बिल्कुल जाता, ऐसे ही, उनका बिल्कुल कोई बिल्कुल इंप्रेशन ऐसा नहीं समझा जाता। ऐसा नहीं है कि मुझे, बल्कि मुझे बाहर ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, बाहर ज़्यादा चैलेंजेस है मेरे लिए सही, कि अपने मुल्क से बाहर निकल के काम बिल्कुल ऐसे ही, करना बिल्कुल ऐसे प्रॉपर्टी ही का, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी ऐसे मगर ही ये कि यहाँ पे सिर्फ माहौल की वजह से और कुछ लाइक माइंडेड लोग नहीं लेकिन होते खैर वहाँ प्रॉपर्टी की तो में, रियल एस्टेट काफ़ी रिवाइव कर रही वहाँ है। की बहुत आप सीखते हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ के इतने एक्सपीरियंस लोग हैं और इतना प्रोफेशनल हैं कि आप उधर से वाकई बहुत सीखते हैं। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लर्निंग हुई है वहाँ से और हो भी रही है। तो वैसे जो हालात हैं हमारे मुल्क की प्रॉपर्टी के, मैं वो समझती हूँ कि ये हमारी जो स्टेबिलिटी नहीं है डॉलर की, सही, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, हमारा ये जो डेली का ऊपर नीचे होना डॉलर का, वो हमें जो है ना उससे बहुत हर्डल्स आते हैं, बिल्कुल उससे सही, हमें बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उससे हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। सही, तो जहाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर स्टेबिलिटी आ जाए इकॉनमी में हमारी। लेकिन अगेन मैम, अगर हम ये देखें, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं और जो FBR है या जो गवर्नमेंट है, वो उनके लोग भी हमारी बात सुन रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि फॉर इंस्टेंस जो एक प्रॉपर्टी थी वो एक कॉमन मैन के लिए एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, तो बेशक इसमें से आप जो नेगेटिव एलिमेंट्स अगर निकाल भी दें, तो इवन देन इसका रिवाइव ना होना हमारे पाकिस्तानी कॉमन पर्सन के लिए एक चैलेंज है और एक प्रॉब्लम है। इस पर क्या कहेंगे आप, देखें, क्योंकि हर बंदा एज अ सेकेंड बिजनेस राइट, कंस्ट्रक्शन को लेके चल रहा था, आप प्रॉपर्टी इसको या लेके चल रहे कंस्ट्रक्शन को हैं। लेके चल रहे हैं, वही बात है ना, एक टेन्योर आता है, एक आप देखें एक एकदम हाइप क्रिएट हो जी जाती जी है, ऐसे ही, प्रॉपर्टी ऊपर चली जाती है, जी 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 कंस्ट्रक्शन, जी हर हर दूसरा बंदा कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल बिजनेस ऐसे में ही, आ गया है। वो बिल्कुल इसलिए कि देखें, घर और अमारत या कोई भी कमर्शियल अमारत है या वो रेजिडेंशियल है, उसकी ज़रूरत तो है। बिल्कुल ऐसे और ही, हमारा जितना लैंड है माशाल्लाह हमारे मुल्क में, जी उस जी पे तो सोसाइटीज बनती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही, घर बनाने और जो कमर्शियल इमारतें बनानी, वो एक मुल्क की रिक्वायरमेंट ज़रूर है, बिल्कुल सही, उसको बढ़ाना भी चाहिए, मैं समझती हूँ कि वो बड़ा ज़रूरी है। मगर इसको एज अ प्रोफेशनल तरीके से लेके चलना चाहिए, जैसे मैं बिल्कुल सही। इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही यानी हूँ, आप ये देखेंगे इंटरनेशनल और लोकल मार्केट में एक बड़ा वाजे गैप बहुत है। वाजे गैप है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल मार्केट का है, तो उसमें बड़ा प्रोफेशनली लेके चलते हैं, जितनी सोसाइटी की ज़रूरत है, जितनी बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, जितने ऑफिसेज कमर्शियल बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, वो उतना ही प्लान किया जाता है। बिल्कुल सही है, तो हमारी भी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट पे काम करें कि कितनी अगले 20 25 50 साल बिल्कुल में सही, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है वेरी बिल्डिंग्स राइटली की, सर, हमें किस प्लान से चलना चाहिए। तो मेरा वेरी ख्याल है राइटली कि सर, अगले 25 50 साल की तो एटलीस्ट, चले 50 की नहीं तो 25 साल की तो बिल्कुल प्लानिंग सही कर है, ही सकते हैं ना। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, हमारा प्लानिंग के बगैर काम हो रहा है पाकिस्तान में, इसीलिए हर बंदा कंस्ट्रक्शन में है, जिधर जिसका दिल चाहता है वो एक इमारत खड़ी कर देता बिल्कुल है। ऐसे ही। तो वो मेरा ख्याल है कि प्लानिंग से होना चाहिए काम। अगेन इट इज़ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। अच्छा मैम, जी जैसे ट्रैवलिंग की हम बात कर रहे थे, तो ट्रैवलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने कोरोना में भी चैलेंज फेस किया, और अब पोस्ट कोविड भी अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग के अंदर काफ़ी चैलेंजेस हैं, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्लम्प है, लेकिन शायद ग्रोथ भी नहीं है। तो जो नए लोग आ रहे हैं ट्रैवलिंग में, क्योंकि आप तो ट्रैवलिंग में एक अरसे से हैं जी और इमिग्रेशन को भी आप देख रही हैं, तो इमिग्रेशन का तो खैर ये है कि काफ़ी एक मार्केट चल रही है और अनफॉर्चुनेटली ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, उस पर भी हम बात करते हैं।
तो ट्रैवलिंग के चैलेंजेस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ट्रैवलिंग का हमारा बहुत रुझान है। हमारी पाकिस्तानी जो कौम है वो बहुत चाहती है कि वो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले, ट्रैवल करके डोमेस्टिक ट्रैवल करें, हम एक्सप्लोर करें अपने मुल्क को। तो ये बड़ा अहम डिपार्टमेंट है, मगर सैडली ये निगलेक्टेड है। और निगलेक्टेड इसलिए है कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। सही। हमारे ऐसे अगर देखें, मैं अपनी फैमिली को लेके डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाहूँगी तो मुझे ये होगा कि ऑब्वियसली मेरी एक डिसेंट लिविंग हो वहाँ पे, सिक्योरिटी हो सबसे बड़ी बात, और वहाँ पे वो फैसिलिटीज हो जो मैं अपने बच्चों को इजीली वहाँ पे रख सकूँ। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ पे हमें प्रॉब्लम है, हमारे चैलेंजेस हैं उस पे, हमें उस वो फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस पे फोकस करना चाहिए। कोरोना में जैसे आपने बात की कि सबसे ज़्यादा हिट बिजनेस ट्रैवलिंग का किया, बिल्कुल किया। ये वो बिजनेस था जो ओवरनाइट बंद होने वाली बात हो गई थी, क्योंकि आपको पता फ्लाइट्स बंद हो गई, बिल्कुल सही, हर चीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी जी। तो ये बिल्कुल डिसकनेक्ट हो गए, हर मुल्क दूसरे मुल्क से डिसकनेक्ट हो गया। तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, जाके लोग आवाज़ से टूरिस्ट बुला सकते हैं, मगर हमें फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारी बेसिक्स नहीं है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ नहीं आते। और अनफॉर्चुनेटली हमने टूरिज्म को प्रमोट भी उस टूरिज्म को प्रमोट भी किया। अगर देखा जाए तो हमारी नॉर्दर्न साइड बड़ी खूबसूरत है। जी जी। और अगर देखिए, अगर हम टूरिज्म जिस तरह IMF से अभी हमने लोन लिया, मैं आपके चैनल के हवाले से ये अगर पैगाम दूं कि अगर IMF से हमने लोन लिया तो वो हमें 9 माह की एक हमें मुद्दत दी गई। तो मैं समझती हूँ कि हमें IMF से लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम सिर्फ अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को फोकस करें, उसको इतना बेहतर कर दें। देखिए जैसे टर्की को देखें, टर्की कहाँ से उसने अपना रेवेन्यू जनरेट कहाँ से किया? टूरिज्म से किया। बिल्कुल ऐसा। तो आप देखें कि हमारे म्यूजियम जो हैं उनका वो हाल ही नहीं है। हमारे फोर्ट को देख लें, हिस्ट्री मोस्टली लोगों को नहीं पता। आप टर्की का टोपकपी म्यूजियम देखें, आप इवन मॉस्क देखें, हमारी बादशाही मॉस्क देखें, लोग बहुत जानते हैं बादशाही मॉस्क को, मगर हमने उसको उतना रखा नहीं है कि आके टूरिस्ट आए और हम वहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। हम टूरिज्म से बहुत बेहतर कर सकते हैं, अगर हम टूरिज्म को बेहतर कर लें ना तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, बिफोर वी लीव आवर प्रोग्राम टुडे, मैं चाहूँगा कि आप आज जो हमारी आने वाली ख्वातीन हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं जो स्टडी कर रही हैं, जो मुख्तलिफ फील्ड में हैं, और जो इवन हमारे जो बच्चे भी हैं जो आने वाली नई जनरेशन है, उनके लिए आपका एक क्या मैसेज होगा वंस दे आर कमिंग टुवर्ड्स द बिजनेस और वट एवर देयर फील्ड में भी? मेरा मैसेज बिल्कुल ये होगा कि सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे, जिसको खुद अतमादी। जब तक आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पता नहीं होगा कि आप ये काम कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो वो आप तब तक उस अचीवमेंट्स को हासिल नहीं कर सकेंगे, उस सक्सेस तक आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप ये अपना माइंडसेट ऐसा नहीं बनाएंगे कि आप इस काबिल हैं। और देखिए, मैं समझती हूँ कि हर बच्चा हर बच्ची इस काबिल होता है कि वो कर सकता है, बट अंदर एक खौफ होता है, एक अवेयरनेस नहीं होती, या ब्रॉटअप ऐसा कि खौफ के अंदर रख के किया जाता है, एक शेल में रख के किया जाता है। तो मेरा मैसेज उन पेरेंट्स को भी है कि हमारी पेरेंटिंग थोड़ी वीक है, पेरेंटिंग वीक है। हमारे पेरेंट्स को चाहिए, हमारी माओं को, हमारे फादर्स को, कि बच्चियों को और बच्चों को सेम तरीके से ब्रॉटअप करें। बिल्कुल सही। बच्चों को भी उसी तरह ब्रॉटअप करें जैसे एक सक्सेसफुल आदमी उन्होंने बनाना है। देखिए, उनसे आगे जनरेशन भी आनी है, और बच्चियों का ब्रॉटअप भी वैसे करें जैसे एक बेटे का ब्रॉटअप किया, ताकि उनमें कोई डर खौफ ना हो, उनमें वो कॉन्फिडेंस आए। देखें, जिस तरह मैं अपने फादर की बात मैंने आपसे पहले भी की, तो मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं, मगर मेरे फादर ने मेरा ब्रॉटअप एग्जैक्टली वैसे किया जैसे एक बेटे का करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उन फादर्स के लिए मेरा ये मैसेज है जो कंजर्वेटिव माइंड के हैं और वो समझते हैं हम अपनी बच्ची को आगे नहीं निकालना चाहते या सामने नहीं लाना चाहते, मैं समझती हूँ कि अगर बच्ची को पूरा प्रिपेयर करके मेंटली उसके अंदर से खौफ निकाल के और उसको एक कॉन्फिडेंस दे के, उसको सिक्योरिटी का भी एक कॉन्फिडेंस दे के, तो बाप से बेहतर सिक्योरिटी या उससे बेहतर कॉन्फिडेंस कोई नहीं दे सकता। तो मेरा मैसेज ये पेरेंट्स को भी होगा कि हमारी पेरेंटिंग थोड़ी वीक हो गई हुई आजकल, टाइम दें बच्चों को और उन पर फोकस करें, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत रखें एज अ फ्रेंड,
एज अ फ्रेंड इंटरेक्ट करें उनके साथ, ताकि उनके अंदर की जो बात है वो आप तक पहुंचे, ना कि बाहर तक पहुंचे। बिल्कुल सही। चलिए जी, इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट सेशन एंड अ वेरी ब्रिलियंट एपिसोड एंड आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट। अपना फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिएगा। और आज का मैसेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट एंड एज इंपॉर्टेंट एज बीइंग अ मेंटोर एज वेल, बीइंग अ मेंटोर एंड हैविंग अ मेंटोर एज वेल। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जैसे मैम ने लास्ट में कहा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं आज के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि यू कैन नॉट बी देयर विदाउट अ मेंटोर। अगर आप ये समझते हैं कि यू कैन बी देयर विदाउट अ मेंटोर, तो ये आपकी मिसकंसेप्शन है। जैसे इन्होंने कहा मेरे फादर मेरे मेंटोर है, इट कैन बी एनी बॉडी फॉर यू, बट यू हैव टू फाइंड समबडी आउट देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गोल्डन आवर विद एचक्यू।